हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले स्वतंत्रता दिवस पर भाषण हिंदी में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य, वंदनीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत खुशी है। इस साल को स्वतंत्रता दिवस खास है, क्योंकि देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आज के दिन हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहराया था। तब से यह एक परंपरा बन गई है, जिसका पालन हमारे देश के हर प्रधानमंत्री करते हैं। आज के दिन हम सभी को स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के आज़ादी के लिए बलिदान त्याग किया है, उन्हें याद करना चाहिए और नमन करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को आज़ादी चाहिए होती है और उन्होंने यह काम बहुत कठिन परिस्थितियों में किया है और ब्रिटिशों से हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाई। 15 अगस्त को हर स्कूल, महाविद्यालय और सरकारी दफ्तरों में हर जगह तिरंगा लहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। इस दिन हर जगह देशभक्ति के गीत बजाते सुनाई पड़ते हैं। स्कूलों में देशभक्ति पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इससे बच्चों को आज़ादी में बातें पता चली। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में बड़ी उन्नति कर रहा है। हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आनंद लेने का भी पूरा अधिकार है। परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगार जैसे समस्या है। देश के हर नागरिक को जिम्मेदार बनना चाहिए और हमारी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। आज हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि भारत देश को विश्व का सबसे बेहतरीन देश बनाएंगे। आप सबको फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और मेरा भाषण आप सबने अच्छे से सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।